नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी है। आपको खबर देते चले, वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादिर ने कहा है कि मजहब तब्दीली से मुतालिक कानून पर काम जारी है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलने वाली जाली खबरों पर कान ना धरें। अवामी न्यूज़ HD के प्रोग्राम डी रिपोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए पीर नूरुल हक कादिर ने कहा कि जबरी मजहब तब्दीली आइन के मुताबिक नहीं है। रियासत को भी हक नहीं के किसी मजहब में मुदाखलत करे। बच्चों को अपना मजहब अपनाने की आज़ादी है। वजीर मजहबी अमूर ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई असेंबलियों के पास भी इख्तियार है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल समेत देगर उलमा से भी मुशावरत जारी है। कमेटी में मुख्तलिफ तजावीज आई हैं जिन पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि मजहब तब्दीली से मुतालिक मस्बत कानून बनाया जाएगा। आवाम सोशल मीडिया पर फैलने वाले जाली खबरों पर कान ना धरें। मजहब तब्दीली से मुतालिक शरी तहकीक भी जारी है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट के मुल्क में जारी तब्दीली मजहब की उम्र पर कानून साजी के बहस के पस मंजर में अहम फैसला सामने आ गया। जस्टिस तारिक नदीम ने ज़ेहनी बलूगत को तब्दीली मजहब के लिए पैमाना करार दे दिया। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awaminewshd.com।